खरगोंजनी की ब्रजविहार कॉलोनी के लोग थाना कोतवाली पहुंचे और समस्या को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की। बता दें कि गत दिनों ब्रजविहार कॉलोनी में बर्थडे पार्टी मनाने की बात पर कुछ लड़के लड़कियों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई की गई थी। इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने मामले को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिससे नाराज कॉलोनी के लोग थाना कोतवाली पहुंचे और वीडियो को गलत करार देकर उक्त व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। शिकायत के लिए क्या है कि अब हमारे यहाँ जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पूरी तरह तरीके से गलत है। उस वीडियो से हमारी कॉलोनी का कोई लेना देना नहीं है। उस वीडियो को गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है, जिससे हमारी कॉलोनी के बच्चों को भी परेशानी आ रही है। उनकी समस्या का समाधान के लिए हम आए थे और हमने लिखित शिकायत थाने में करके क्या हुआ क्या था उस रोज कॉलोनी में वहाँ बर्थडे पार्टी मनाने के लिए कुछ इकट्ठे हुए थे और शोर शराबा हुआ, तो कॉलोनी वालों ने 100 डायल सूचना करके पुलिस को बुलाया और उसमें किसी ने वीडियो बना के उसको वायरल कर दिया और गलत तरीके से उसको प्रचार प्रसार कर दिया, जिसका हम पूरी कॉलोनी वासी उसका खंडन करते हैं इस सूचना का। अभी आपने शिकायत भी की, क्या मांग की आपने? हमने ये मांग की कि ये जो जिस प्रकार का वीडियो चल रहा है इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए, जिन लोगों ने किया उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। 24 तारीख को ब्रजविहार कॉलोनी से कुछ लड़के लड़कियों की बर्थडे पार्टी मनाने की शिकायत थी, लॉकडाउन उल्लंघन करने की शिकायत थी। मौके पर FIR में गई थी तो वहाँ पे कुछ लड़के और लड़कियाँ बर्थडे पार्टी मना रहे थे, जिनको FIR द्वारा थाने लाए थे और उनके लड़कों के खिलाफ 188 की कार्रवाई की गई थी। वहीं किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बना करके गलत तरीके से वायरल किया कि पुलिस ने सही तरीके से पकड़ा, जबकि किसी पर बात नहीं की। सभी पर लॉकडाउन उल्लंघन का प्रकरण था कि वो बर्थडे पार्टी मना रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के कार्रवाई की गई थी। इसी संबंध में उन लड़के और लड़कियों ने एक आवेदन पत्र पेश किया है थाने में, जिसकी जाँच की जा रही है। Subscribe now to most exciting channel ever.